राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बैसाख मास महात्म की कथा का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसे प्रेम भाव से, सच्चे हृदय से, एकाग्रचित होकर सुने ताकि आपको कथा सुनने का पूर्ण फल मिल सके। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय लिखना ना भूलें। श्रुति देव कहने लगे, हे राजन, बैसाख शुक्ल की अंतिम तीन तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। तीन तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं, जो यदि बैसाख मास में पूरा महीना स्नान ना कर सके तो इन तीन दिन तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा पापी चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सब को पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की और त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया, चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्नचित से इन तीन तिथियों को वरदान दिया। बैसाख मास की है तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पुत्र आदि देने वाली, पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे बैसाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन तीन तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण बैसाख का महात्म बुद्धिमान शुद्ध कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसे सुना देखा वर्णन किया। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया, परंतु इसका अंत किसी ने ना पाया। हे राजन, तुम बैसाख मास में दान आदि सब कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझा कर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी तिल स्वर्ण और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुति देव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुम्हें सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे, जो पापों के नाश करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो बैसाख मास महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, बैसाख मास में चाहे एक बार ही करें, जरूर करें। एक दिन चाहे पूर्णमासी को, चाहे एकादशी तिथि को जल का घड़ा दान दें, प्याऊ लगवाएं, मार्ग में छाया के लिए वृक्ष लगवाएं, ज़्यादा नहीं तो एक या दो वृक्ष ही लगवाएं। बंधुओं, बैसाख मास में जूता या खड़ाऊं किसी ब्राह्मण को दे सकते हो तो ब्राह्मण को दें, या फिर यदि किसी के पैरों में जूता ना दिखाई दे तो उसे आप जूता या खड़ाऊं अवश्य दान दें।
बंधुओं, विशाख मास में छतरी और पंखे का दान भी अवश्य करें। हो सके तो शाम के समय ब्राह्मण को शरबत पिलाएं या फिर कोई और मीठी वस्तु पिलाएं। विशाख मास में नारियल, कपूर, कस्तूरी का दान दें। चंदन, शैया, खार, आम और दूसरे फल, पुष्प, ये सब भी आप किसी ब्राह्मण को विशाख मास में एक बार जरूर दें। बंधुओं, गौशाला में जाकर गौओं को हरा दें। गुड़, सौंठ, आंवले का दान वैशाख महीने में अवश्य करें। वैशाख मास के जो दिन शेष बचे हैं इसमें भगवान का पूजन फूलों से करें, वरना निश्चय को पुत्र सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।